चैप्टर है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। हाँ, अब एक बात बताओ, इधर देखो बोर्ड पे सब बच्चे, पेन वेन बंद रखो अपने। ये 100 रुपये हैं, ये किसी को तुमने ब्याज पे दे दिया और वो कुछ समय बाद आपको 150 रुपये दे के गया, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, पता नहीं कुछ समय बाद। हाँ, तो तुमने उसको कितने दिए थे और वो तुम्हें कितने दे गया, तो कितने ज़्यादा दे गया, तो जितने ज़्यादा देता वही ब्याज है, वही क्या है। और जो पैसा तुम किसी को ब्याज पे देते हो उसको बोलते हैं मूलधन, उसको कौन सा धन बोलते हैं, और मूलधन को पी से लिखते हैं, दिमाग यहीं रखना सब बच्चे। और जितना उससे ज़्यादा होता है वो ब्याज होता है, वो क्या होता है, और ब्याज हम पढ़ रहे हैं साधारण, हम कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। मूलधन और ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो मिश्र धन बन जाता है, मूलधन और ब्याज को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है, मिश्र धन। तो ये 150 क्या है, हमारा मिश्र धन है। तो ये तीन चीज़ें आपको पता चल गई, मूलधन किसको कहते हैं, ब्याज किसको कहते हैं, मिश्र धन किसको कहते हैं। तो मूलधन किसको कहते हैं, जो पैसा ब्याज पे लगाया जाता है उस पैसे को हम मूलधन कहते हैं, बात समझ में आ गई। मूलधन से जितना ज़्यादा आपको मिलता है उसको ब्याज कहते हैं, और मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो वो जो पैसा बनता है उसको मिश्र धन कहते हैं, उसको कौन सा धन कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, बात समझ में आ गई आपको। अब देखो 150 में से 50 घटाओ तो कितना आएगा, और 100 क्या है, मूलधन। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दोगे तो मूलधन आता है। अब आप 150 में से 100 घटाओ, अरे क्या आएगा, 50 आ गया, तो 50 क्या है, ब्याज है। अगर आप मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आ जाता है, मिश्र धन में से ब्याज घटाओगे तो मूलधन आएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आ जाता है। अब एक बात और बच रही है यहाँ, ब्याज भी हमें समझ में आ गया क्या होता है, मूलधन भी समझ में आ गया, मिश्र धन इसको ऐसे लिखते हैं अमाउंट होता है, क्या होता है ये अमाउंट, इसको ऐसे, इसको ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, ये मूलधन होता है हमारा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, वो है दर, वो क्या है, दर। दर के बारे में पता है किसी बच्चे को, दर क्या होता है, हाँ रेट, दर क्या होता है, ये तो इंग्लिश में कहते हैं रेट, तो दर बताओ, दर क्या होता है, उसे दर कहते हैं। मैं जैसे ही कह रहा हूँ, जो पैसा ब्याज पे दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, हाँ। तो ऐसे तो अब पता नहीं कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, तो ये ऐसे बताओ, जैसे मैंने बताया था कि जो पैसा ब्याज पे दिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं, जो ब्याज से ज़्यादा मिलता है उसको ब्याज कहते हैं, जो पैसे जुड़ जाते हैं उसको मिश्र धन कहते हैं, ऐसी दर किसको कहते हैं, दर। देखो एक वर्ष में 100 रुपये पर, एक वर्ष में 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता है उसको दर कहते हैं, एक वर्ष में 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता है, 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता है, जितना ब्याज, उसको दर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम दर कहते हैं। एक वर्ष में 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यही रीजन है कि ये जो ये दो बिंदी सी लगी हुई है इनको क्या कहते हैं, परसेंटेज, हाँ हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रति माने होता है एक और सत माने 100, हाँ तो 100% इसीलिए तो लगाते हैं, क्योंकि ये दर जो होती है 100 पे होती है, दर किस पे होती है, तो एक साल में 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता है उसको दर कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारी कोशिश क्या होगी, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कराया जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीकों से कराया जा सकता है, तुम्हें उस तरीके से पढ़ना चाहिए जिसको तुम पेपर तक याद रख सकते हो, हाँ जिस तरीकों को आप पेपर तक याद रख सकते हो। तो हमारी कोशिश ये होगी कि पूरा चैप्टर साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो हर बच्चे को आता होगा, साधारण ब्याज को ऐसा ही से लिखते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर होता मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, तो इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। अब दो तरह से क्वेश्चन करेंगे, या तो इकाई मेथड से करेंगे या इस फॉर्मूले से करेंगे, हाँ। अब कब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है, अगर तुमसे ब्याज बूझे या ब्याज दे रखा हो तो इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा। कौन कौन से क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे, तुम्हें ब्याज दे रखा हो या ब्याज पूछे, ये दोनों तरह के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है, बोलो तो ना, क्वेश्चनों पर आ जाओ, इसमें और कुछ नहीं है, बस एक ये और सुन लें, जिसमें दर होगी समय भी उसमें ही होना चाहिए। अगर दर वार्षिक है, 99% क्वेश्चनों की दर वार्षिक होती है,
1% या तो छमाही या तिमाही होती है, या तो छमाही या तिमाही होती है। तो जिसमें दर होगी, जिसमें दर होगी, समय भी उसी में होना चाहिए। अगर दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, दर छमाही है तो समय भी छमाही में, और दर तिमाही है तो समय भी तिमाही में होना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चनों में सिखा देंगे कैसे होता है। आप पहला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है वो इसे उतारने में, तो अब फॉर्मूले लिखेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आप सब अपना। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस ये फॉर्मूला ही मेन है, और करने को तो कितनी ट्रिक बना लो फिर उन्हें याद करते रहो। पढ़ा पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन है, यदि एक रुपए पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसे है तो वार्षिक दर कितनी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर तुम्हें या तो ब्याज दे रखा हो या ब्याज बूझे तो ब्याज वाले फॉर्मूले से होगा। तो इसमें ब्याज बूझ रहा है क्या, पहले क्वेश्चन में क्या बूझ रहा है? एक तो हर बच्चे के सामने क्वेश्चन होना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन में क्या बूझ रहा, दर। तो ब्याज तो नहीं बूझ रहा। अब ये देखो, ब्याज दे रखा या नहीं दे रखा, ब्याज दे रखा है। अगर ब्याज दे रखा है तो ये क्वेश्चन हमारा ब्याज के फॉर्मूले से होगा। बात समझ में आ गई। और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज को SI से सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, अब बताओ ब्याज कितना है, ब्याज कितना दिया है उसने, 1 पैसा दिया है। तो ब्याज पैसों में है तो मूलधन भी पैसों में लेंगे, मूलधन भी अब किस में लेंगे, पैसों में लेंगे। तो मूलधन कितना है, 1 रुपया, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपये। अब दर तो वो हमसे पूछ ही रहा है, और समय कितना है, समय है 1 माह, समय कितना है, 1 माह है। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें दर होगी समय भी उसमें लेंगे। इस क्वेश्चन में जहां दर लिख रहा है उसके पीछे देखो क्या लिख रहा है, वार्षिक लिख रहा है, वार्षिक दर पहले लिख रहा है, दर से पहले क्या लिख रहा है, वार्षिक, दर से पहले क्या लिख रहा है। तो ये दर वार्षिक में है तो समय भी वर्ष में होगा। अब इधर देखो, ये बताओ 12 माह में कितने साल होते हैं, कैसे आया 12 को 12 से भाग करो तो 1 आएगा। मैं कह रहा हूँ 24 माह है तो 24 माह में कितने वर्ष होते हैं, कैसे आया 24 को 12 से भाग कर दो तो 2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 36 माह में कितने वर्ष होंगे, 3 वर्ष होंगे तो 12 से भाग करके तो 3 आएगा। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर माह के वर्ष बनाने हैं तो 12 से भाग करते हैं, माह के वर्ष बनाने हैं तो किससे भाग करेंगे। अब इस क्वेश्चन में समय 1 माह है पर दर वार्षिक है तो इसलिए समय भी वर्ष में होना चाहिए। तो माह के वर्ष बनाने को 12 से भाग करो तो 1 को 12 से भाग करोगे तो 1/12 लिख लो, कितना लिख लेंगे, तो ये इसलिए 1/12 आ गया है। ठीक है, इससे ये आपका ये कैंसिल हो गया है। और जब भी ऐसी कैलकुलेशन आती है तो इसकी गुणा इधर ही करी जाएगी, कहीं भी आए ऐसी कैलकुलेशन इसकी गुणा इधर ही करी जाएगी, तो 12 ही कम, तो आर जो है आपका जो रेट है वो 12% आ गया। किसी को समझ में ना आया तो बोलो जल्दी से, अरे आ गया समझ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर दो, इसमें क्या है, 7500 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 18% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज कैसा है, प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था हमने, क्या सिखाया था, जब हमें टोटल तो पता हो, अलग अलग हिस्से ना पता हो। हा? तुम्हारा क्या नाम बेटा, तुम नोट करने पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो, अब तुम्हें हो गया एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते, अब तुम समझने पे फोकस करो। ठीक है, तो बाद में समय मिलता जब नोट करेगा। तुम्हें ये सिखाया था, अगर टोटल तो पता हो, अलग अलग हिस्से ना पता हो, तो टोटल को ही मान लेते सब जगह। जैसे कह रहा 3 हिस्से में पैसा बांटा, 3 जगह 7500 रुपये बांट दिए, कुछ पहली जगह, कुछ दूसरी जगह, कुछ तीसरी जगह। अब कुछ का किसी को पता चला आज तक पता चला किसी को कुछ क्या होता है? तो ना पता हो तो फिर जो टोटल है उसको ही मान लो। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तुम्हें एक्स मानना पड़ेगा, और एक्स मानोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब हमें टोटल तो पता हो, उसके हिस्से ना पता हो अलग अलग, तो सब जगह टोटल ही मान लेते हैं। तो अब हम ये मानेंगे उसने पहली जगह भी 7500 रुपये ब्याज पे दिए और दूसरी जगह भी 7500 रुपये ब्याज पे दिए, रख लोगे याद। तो उसने कहा दोनों जगह से ब्याज बराबर आया, तो दोनों जगह से ब्याज क्या आया है, तो पहली दर कितनी है 12 और दूसरी दर कितनी है, बस ये ब्याज हो गया। अब तुम कहोगे ये तो तुमने नहीं लिखवाया, ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन कितना है 7500, दर कितनी है 12, समय कितना है 1/100, इसके लिए भी तो मूलधन 7500 ही है,
और दर कितनी है 18, इसके लिए भी समय एक ही वर्ष है, क्वेश्चन में लिख रहा है ये सब कुछ, बटे सो बटे। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, एक से एक तो वही तो बचा 12 बराबर 18 12 बराबर। तो ये चीज़ें आप सीखने की कोशिश करो। हाँ, हमें पता है जब हम दोनों जगह ब्याज निकालेंगे तो दोनों जगह फॉर्मूला एक ही रखेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे सो, और मूलधन हम कह रहे हैं कि दोनों जगह 7500 ही मानना है, तो उधर भी 7500 रखेंगे, इधर भी 7500 रखेंगे, तो कैंसिल ना हो जाएगा। समय इसके लिए भी एक साल है, इसके लिए भी एक साल है, तो वो भी कैंसिल, बटे में सो इस वाले में भी आएगा, इस वाले में भी, तो वो भी कैंसिल। तो डायरेक्टली हमें क्या लिखना चाहिए था, 12 बराबर 18 12 बराबर, और फिर जिससे कैंसिल हो रहा हो कर लो, ठीक है। तो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, 7500 से 7500 कैंसिल, एक से एक कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, अब बस 12 बराबर 18 बच गया। तो ये किससे कैंसिल हो रहे हैं, 6 से हो रहे, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18। पूरे मैथ में कहीं भी जब भी संख्या बराबर में आएंगी तो उनको अनुपात में ले जाते हैं, उनको कहाँ ले जाते हैं, हर जगह ऐसा ही करेंगे, बार बार ऐसा ही करेंगे। और अनुपात में कैसे करते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला, ये शॉर्टकट है अनुपात में जाने का, बाद वाला पहले और पहले वाला, तो 3:2 हो जाएगा, 3:2। उसके बाद क्या करते हैं, अगर तुम्हें पहला हिस्सा पता है तो 3 के बराबर रख दो, ये पूरे मैथ की बात चल रही है। और अगर आपको दूसरा हिस्सा पता है तो 2 के बराबर रख दो, और अगर आपको टोटल पता है तो 5 के बराबर रख दो। भाई हमें नहीं पता पहले हिस्से में उसने कितना पैसा लगाया, क्यों करा, कुछ लगाया, दूसरी जगह भी नहीं पता, पर हमें टोटल तो पता है, टोटल पैसा कितना था, 7500 था। तो आप टोटल बराबर टोटल रखेंगे, जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो कई महीने से कर रहे हैं हम, इस काम को बराबर रख के अनुपात में लेते हैं, अगर टोटल पता होता तो टोटल करते हैं, परसेंटेज में करा, लाभ हानि में करा, बट्टे में करा, इस ब्याज में कर रहे, अगले में भी करेंगे, तो वही लिमिटेड है मैथ बिल्कुल, 8-10 पॉइंट उन पे ही पूरा मैथ चलता रहेगा, ठीक है। बस वो 8 पॉइंट आप याद करो, तो टोटल 5 और टोटल पैसा कितना है 7500, बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, ये भी पूरे मैथ में चलेगा, बराबर रखने के बाद क्या करेंगे, एक निकालेंगे, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 ही कम 5 5 ही कम 5 5 पंजे, तो 1 बराबर आ गया 1500। अब एक निकालने के बाद जो हमसे ये पूछ रहा है, ये कह रहा है प्रत्येक भाग का ब्याज बताओ, प्रत्येक भाग का क्या बताओ, अब ब्याज तो हमारे पास नहीं है, तो आप राशि निकाल लो पहली वाली, तो पहली वाली राशि जो है 3 है, क्या है, तो आप 3 की वैल्यू निकाल लो, तो ये पहले जहां जितना इसने पहली जगह पैसा लगाया था ना, वो आ जाएगा पहली जगह ब्याज पर जितना पैसा लगाया था, और अगर आप इसको निकालोगे तो आ जाएगा दूसरी जगह कितना पैसा लगाया था, तो आप पहले पहली जगह का निकाल लें, तो पहली जगह की वैल्यू 3 है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर लो, दोनों तरफ कितने से गुणा कर लो, तो 1 तिया तो 3 ही होते हैं, और 15 तिया कितने होते हैं, तो ये मूलधन आ गया, पहली जगह उसने 7500 में से 4500 रुपये लगाए थे, अब वो प्रत्येक जगह का ब्याज पूछ रहा, तो पहले यहाँ का ब्याज निकाल दें, तो ब्याज क्या होता, मूलधन, तो यही पैसा तो जो पैसा ब्याज पे लगाया जाता है उसको ही तो मूलधन कहते हैं, तो मूलधन गुणा दर, पहली जगह दर कितनी थी 12, और समय दोनों की जगह एक ही था बटे 100, बटे में कितना जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, अब 12 का पहाड़ा 12 5 60 की 0 6 12 4 48 और 6 54, तो 540 रुपये ब्याज आया पहली जगह से, दूसरी जगह से भी यही आएगा, क्योंकि उसने खुद कहा है दोनों जगह का ब्याज बराबर है, दोनों जगह का ब्याज क्या है, विश्वास ना हो तो निकाल के देख लो, दूसरी जगह की राशि 2 है, तो 2 से गुणा करो इस वाली लाइन में, तो 15 दुनी तो राशि आ जाएगी मूलधन 3000, और दर कितनी थी 18, और समय एक ही था, और बटे 100 है, तो ये कैंसिल हो गया, और 18 तिया कितने होते 54, तो 540 आया। तो ऐसे हो जाएगा, देखो शुरू के ही क्वेश्चन इसने थोड़े अजीब अजीब से रखे हैं, अब छुटवा के क्या करवाता, मैं सीरियल वाइज ही करा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, जितने क्वेश्चन करके भेजूंगा उन्हें कर लेना, बस घर पे जाके अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 3वें क्वेश्चन में क्या है, 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, दर पूछ रहा है। मैंने कहा अगर ब्याज बूझे या ब्याज दे रखा हो तो ब्याज के फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, तो ब्याज तो ना बूझ रहा, पर क्या ब्याज दे रखा है, अरे कितना दे रखा है, तो ये क्वेश्चन किससे होगा, ब्याज के फॉर्मूले से, तो ब्याज लिखूं या 700 लिखूं, फिर अगली लाइन में फिर उसकी जगह 700 लिखना पड़ेगा, तो ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है, कितना पैसा इसने ब्याज पे लगाया है 1400 रुपये, मूलधन गुणा दर तुमसे पूछ रहा है, दर तुमसे और गुणा समय। अब देखो समय जो है वर्ष और माह में है, तो समय 3 वर्ष 4 माह है, 3 वर्ष और 4 माह में है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, समय उसमें होना चाहिए जिसमें दर है, तो दर वार्षिक, दर कैसी है, तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, तो इसके वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ अभी तो खुद ही वर्ष है, इसके थोड़ी करेंगे कुछ, क्यों रे,
जब ये पहले से ही वर्ष में है तो इसके वर्ष थोड़ी बनाएंगे, तो पहले से ही है तो इसको बनाएंगे। तो ये जो चार महा हैं इसके आप कितने से भाग करोगे इसको? अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले ही कि महा के वर्ष बनाने तो 12 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 12 से भाग करते हैं। तो ये तीन वर्ष तो है ही, और 4/12 तो 3 + 4 = 4, 4 * 3 = 12। अब इतना सा काम करना ही बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि ये तो वर्ष और महा में है, ये नहीं होने का। होगा क्यों नहीं? वर्ष को साथ में रखो और महा को वर्ष बनाओ और जोड़ दो, ठीक है? तो 3 * 3 = 9 और 1 तो 10/3 वर्ष हो गया। 10/ अरे बदल लोगे, जो वर्ष उसे ऐसे ही लिखा, प्लस में जो महा है उसे भी वर्ष बनाया और जोड़ दिया, ठीक है? तो ये हो गया 10/ तो समय 10/3 वर्ष हो गया। और बटे में 100 तो फॉर्मूले वाला भी आता ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस अब इसको सोल्व कर लो, दर आ जाएगी आपकी, तो 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी, हाँ। और 14 * 5 शायद कितने होते हैं? 70 होते हैं। और देखो बटे वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऐसे, तो 3 * 5 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 * 5 कितना हो जाएगा? 15। 3 * 5 कितना हो जाएगा? तो 15% इसका आंसर बन जाएगा। कितने परसेंट बन जाएगा? 15%। कोई दिक्कत? अरे आगे समझ क्यों भाई? अरे बता दे, तेरे से पूछ रहा हूँ। आ गया, बुक ले ली? बुक ले लो बेटा, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, फोटो खींच के लेके जा करो। इतने 3300 रुपये की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बिल्कुल आसान है, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, ब्याज वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा। अब देखो ये जो 5वां क्वेश्चन है इसको आप एक बार पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहोगे तो बिना पेन के हो जाएगा, पढ़ लो। 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति 1000 वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो अब तक ये दर हमें डायरेक्टली दे रहा था कि दर इतनी है, जैसे पहले क्वेश्चन में भी वैसे दर पूछ रहा, दूसरे में 12% दी थी इसने, जैसे दूसरे में दे दी डायरेक्टली 12% है, इसमें दर डायरेक्टली नहीं दे रहा, ये कैसे दे रहा है? इनडायरेक्टली दे रहा है। अब वो तुम्हें वही बच्चा निकाल सकता है जिसको पता हो कि दर होती क्या है, इसलिए तो बता रहा था मैं तुम्हें स्टार्टिंग में। 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज बनता है उसको दर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अच्छा यहाँ जो है, जैसे 2000 रुपये कहे तुम ब्याज लेने, तुम्हें पैसे की जरूरत है, 2000 रुपये ब्याज पे उठाए तुमने, तुमने कहा जी क्या रेट है, किस रेट पे दोगे? तो 75 रुपये देने पड़ेंगे 1000 पे, 1000 पर कितने देने पड़ेंगे? 75 रुपये। देखो ये लिख रहा है, ये तो मैंने बताया इतना आसान, इतना आसान थोड़ी लिख रहा है, उसमें तो लिख रहा है 75 रुपये प्रति 1000 वार्षिक दर, 75 रुपये प्रति, प्रति माने 1000, तो 1000 पर 75 रुपये वार्षिक दर, 1 साल में 1000 पर 75 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ये कह रहा है वो, ठीक है? तो ये बताओ मुझे आप, जब 1 साल में 1000 पर 75 रुपये ब्याज, तो 1 साल में 2000 पर कितना ब्याज बनेगा? 150 बनेगा। तो 1 साल में 2000 पर 150 रुपये ब्याज है, तो 2 साल में कितना हो गया? तो हो गया क्वेश्चन 300 का आंसर आएगा इसका, 300। हाँ दोबारा सुनो, जिसके सिर से ऊपर निकल गया दोबारा सुनो, 75 रुपये ब्याज मिलेगा 1000 पर, क्वेश्चन है 2000 रुपये का, 1000 पर 75 रुपये ब्याज, तो 2000 पर दुगना नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1000 का दुगना है 2000, तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, तो 75 का दुगना 150 होता है, तो 1 साल में 2000 रुपये पर 150 रुपये ब्याज हो गया। क्वेश्चन है 2 साल का, तुमने 2 साल के लिए लिए 2000 रुपये, तो पहले साल 150 रुपये ब्याज, फिर अगले साल 150 रुपये ब्याज, तो 300 रुपये ब्याज, कितने रुपये ब्याज? ये तो हो गया वैसे जो गांव के कर देते हैं, जिन्हें तुम पागल समझते हो, तो वही ही कर देते हैं एकदम। अब जो तुम पढ़ते हो देखो, 1000 रुपये पर कितना ब्याज है? 75। कितना ब्याज है? दर क्या होती है? 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज होगा, ये तो 1000 रुपये पर 1 साल में ब्याज, तो बस एक जीरो हटा दो इधर से, तो जीरो हटाने इतना आसान थोड़ी है, 10 से भाग करनी पड़ेगी तभी तो जीरो हटेगी, और इधर भाग करेंगे तो इधर भी करनी होगी। आज से पहले हम गुणा कर रहे थे, 100 लाने के लिए गुणा करते थे, आज 100 लाने के लिए भाग करना पड़ रहा है। अरे याद करो, जब 10 = कुछ लिख रहा था, 100 लाना होता था, तो दोनों तरफ ना कहते थे 10 से गुणा कर दो, 10 × 100 करते थे या नहीं? तो आज तक तो गुणा कर रहे थे, जबकि आज क्या करना पड़ रहा है? भाग करना पड़ रहा है ना, इसलिए हिसाब से रहना चाहिए, कब पता नहीं किसका टाइम बदल जाए। अब भाग करना पड़ रहा है ना 100 बनाने के लिए, तो करो, जब इधर भाग करोगे तो इधर भी करोगे, तो इधर 10 से भाग करोगे तो इधर तो 100 बचा, और इधर 10 से भाग करोगे तो 7.5 हो गया, कितना हो गया?
तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पर एक साल में ब्याज कितना बैठ रहा है, 7.5, और एक साल में 100 रुपये पर जो ब्याज होता है उसको दर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको दर कहते हैं। तो दर कितनी है आपकी, 7.5 है, दर कितनी है, 7.5। अब जो दर बस आपको निकालनी थी, दर आपको दर ही तो निकालनी थी, तो दर हमें पता चल गया 7.5 है, ठीक है। अब निकाल लो जो भी है इसका ब्याज, ब्याज जैसे भी है, 2 साल का ब्याज है और रुपये कितने, 2000, तो ब्याज निकाल दो आप, ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना, 2000, गुणा दर कितनी है और गुणा समय कितना है, 2, और बटे कितना है, 100, बटे में कितना है, 100 है, ठीक है, कर लो आप कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो 2 दूनी 4 या 75 दूनी 150, 150 दूनी, तो ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो 300 आपका आंसर आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, ठीक है, ऐसे तो निकालना था। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः। अब 6 में क्या है, 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में होगा, तो इस बार समय बूझ रहा है, इस बार क्या बूझ रहा है, समय बूझ रहा है, ठीक है। तो ब्याज तो दे रखा है आपको, जब ब्याज दे रखा है तो ब्याज के फॉर्मूले से ही हो जाएगा, तो ब्याज कितना है, 1080, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर, तो दर कितनी है, 12, और समय आपसे पूछ रहा है वो, और बटे 100, बटे में कितना हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो तो आपकी कैंसिल होगी, ठीक है, ये जीरो चाहो तो आप इससे कैंसिल कर लो, और 12 निम्मा कितने होते हैं, 108, और 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 वर्ष आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है, बूझना किसी को, चलो 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सात में क्या है, 50200 की एक राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 1380 रुपये 50 पैसे, 1380 रुपये 50 पैसे है, ठीक है, 1380 रुपये 50 पैसे है, तो ब्याज की वार्षिक दर बूझ रहा है आपसे, दर, हाँ, तो दर कैसे निकालोगे, आपको ब्याज तो दे रखा है, ब्याज तो दे रखा है ना आपको, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन कितना है, 50200 मूलधन गुणा दर कितनी है, दर आपसे पूछ रहा है, गुणा समय कितना, 3 माह, अब माह के वर्ष बनाने को 12 से भाग करेंगे, चलो वो नीचे लिख देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बटे में कितना है, 100, और कितने से भाग करेंगे, 12 से, तो 12 से भाग क्यों कराए, माह के वर्ष बनाने के लिए, माह के वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग कर दिया, ठीक है, अब कैंसिल कर लो आप, तो 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार, आप ये दोनों जीरो आप कैंसिल कर दो, ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, 4 से किसे, 11 से 11 चौक, ये कहाँ कट जाएगा, 11 से, इसे 2 से काट लो, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 10, 2 5 10 और 2 1 2, ठीक है, तो 251 हो गया, इसकी आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये देख लो 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, तो इसकी इधर गुणा और ये बटे में आ जाएगा, पहले सही करके लिख लो, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1380.5 गुणा 2 बटे 251, बटे में कितना आ जाएगा, 251 आ जाएगा बटे में, ठीक है, 251, बस अब इसको सोल्व कर लो आप, 2 से या तो गुणा कर लो पहले, 2 5 10 तो ये 1 ही हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2, और बटे में कितना हो गया, 251, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान पे पॉइंट भी तो लगाओगे आप, हाँ, तो ये 2761/251 हो गया, अब 251 से या तो डिवाइड कर लो इसको, ग्यारह बचे कितने, 11 5 55 और 1 56, ठीक है, बचे कितने, 5 और 11 2 22 और 5 27, तो इससे ये 11 बार कैंसिल हो रहा है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, कितना, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है, तो ब्याज की दर क्या है, अरे बिल्कुल तो आसान है, सब चीज़ें दे रखी हैं। 9वां क्वेश्चन, 67400 की एक राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज ना ब्याज की दर, ये भी ऐसे ही है, कोशिश करना आप, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। देखो साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज वो मूलधन का कितने परसेंट है? 5% के बराबर। मूलधन के कितने परसेंट के बराबर है? 5% के। तो जिसके होता है उसको मानना होता है, और अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए। तो ब्याज जो है मूलधन का 5% है। ब्याज किसका 5% है? तो मूलधन को आप 100 मान लो, मूलधन को कितना मान लो, और 100 का 5% तो 5 ही होगा। 100 का 5% कितना हो जाएगा? क्योंकि 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है, 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है। तो देखो साधारण ब्याज जो है 100 है और मूलधन कितना है? 5 है। तो ये ब्याज जो 5 रुपये बना है कितने साल में बना है? 10 साल में बना है। 5 रुपये का ब्याज कितने साल में बना है? 10 वर्ष में बना। अब ये तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो ब्याज कितना है और मूलधन कितना है? तो ये कह रहा ब्याज कितने वर्ष में 100 हो जाएगा। हाँ, तो ब्याज कहाँ है? ये रहा, इसको 100 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करें? तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर दो बस। तो 20 × 5 = 100, और यहाँ भी 20 से गुणा करो, तो ये 200 हो गया। कितना हो गया? 200। तो 200 वर्ष में हो जाएगा ब्याज मूलधन के बराबर। ब्याज मूलधन के बराबर, देखो ब्याज में और समय में दुगने का रिलेशन है। ब्याज में और समय में कितने का रिलेशन है? और ब्याज तुम्हें करना है मूलधन के बराबर, तो मूलधन तो 100 है, तो ब्याज तुम्हें 100 करना है। तो देखो यहाँ समय दुगना है तो यहाँ भी तो दुगना आएगा। अगर ब्याज 100 करना है तो समय दुगना हो जाएगा, तो 100 का दुगना 200। 100 का दुगना कितना हो जाएगा? 200। आगे बात समझ में है? चलो, तो 200 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5320 का साधारण ब्याज बनता है, राशि कितनी है? तो भाई आपको दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, ब्याज भी दे रखा है, राशि पूछ रहा है। तो ब्याज वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा? ब्याज वाले से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 में क्या है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर क्या होगी? मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया है, मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया है, और वो कितना दिया है? 5:1 दिया है, 5:1 दिया है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है व्यक्ति, और यदि मूलधन तथा ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर बोझ रहा है। देखो मूलधन कितना है? 5, और ब्याज कितना है? और मैंने क्या कहा था, अगर ब्याज तुम्हारे पास है तो ब्याज के फॉर्मूले से होगा। और भी तरीके हैं इन क्वेश्चनों को करने के, पर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि एक ही फॉर्मूले से हो जाए सब कुछ, ठीक है? तो कोई बात नहीं, तो ब्याज एक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर, दर हमसे पूछ रहा है वो, गुणा समय। तो समय 4 वर्ष बटे 100, बटे में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा, बटे में क्या जाएगा? 100। तो 5×20, हाँ, और 20 से कितनी बार कटेगा? तो 5 आ जाएगा, बटे में, बटे में कितना जाएगा? 5, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो R बराबर 5% हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 है ऑप्शन में। चलें 13वां क्वेश्चन, एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज, इतना राशि बूझ रहा, कुछ नहीं करना। 12 माह का मतलब एक साल है, तो वर्ष समय की जगह एक रखना है। उससे आगे 14वां क्वेश्चन, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। 6 माह का साधारण ब्याज दिया है 65.5, राशि पूछ रहा है। तो भाई ब्याज भी आपके पास है, समय भी आपके पास है, दर भी आपके पास है, हाँ, राशि नहीं है, तो पी ऐसी रहने देना, कोशिश करना हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 हो जाती है, राशि क्या है? अरे 4 वर्ष में कितनी हो रही है वो? तो हो जाना मिश्र धन होता है, हो जाना क्या होता है? देखो इस बार ब्याज नहीं दिया इसने, ये कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में 8800 हो जाती है। देखो कोई राशि है, तुमने वो ब्याज पे दी है और 25% पे दी है, कितने परसेंट पे दी है? 25% पे दी है, तो वो राशि जो है 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 8800 हो रही है, कितनी हो जाती है? 8800 हो जाती है। तो हो जाने का मतलब वो पैसा तुमने लगा रहा होगा ब्याज पे, है ना? और जब ब्याज पे लगा रखा है तो वो 4 वर्ष बाद 8800 हो गया, तो हो जाना क्या होता है?
हो जाना क्या होता है, मिश्र धन। इस बात को याद करो आप, हो जाना क्या होता है, तो ये मिश्र धन है। अब मिश्र धन कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस। अब तुमसे मूलधन तो ये बूझ रहा, कुछ भी मूलधन बनाओ और ब्याज निकालो और जोड़ के बराबर रख दो। तो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, कैसे देखो रेट क्या है आपका, या चलो उसी रह दो, आप मूलधन 100 मानो, मूलधन कितना मानो 100 मान लो। अब चार वर्ष का ब्याज निकालो, क्योंकि ये कितने वर्ष का मिश्र धन है, चार वर्ष का मिश्र धन है, कितने वर्ष का मिश्र धन है, तो तुम चार वर्ष का ही ब्याज निकाल लो। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन, मूलधन तो अपने 100 माना है, गुणा दर कितनी है 25%, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आ जाएगा 100, बटे में 100, तो यहाँ से जो हमारा ब्याज बना 2500 ब्याज हो गया। पर वो 8800 ब्याज है या मिश्र धन, और मिश्र धन कौन सा धन होता, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना माना था 100 और ब्याज कितना है 100, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, तो ये मिश्र धन हमारा हो गया 200, हमारा मिश्र धन कितना हो गया, और किताब वाले का मिश्र धन कितना है 8800 कितना है। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन रख दिया, बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे भाग करते हैं, तो 2 * 2 और 2 से आप इसे भाग करो तो ये हो गया 44, कितना हो गया। अब एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे, तो ये तुमसे राशि पूछ रहा, राशि कितनी मानी थी तुमने, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा करो और इधर भी 100 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 4400, कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा, कितना हो गया ये 4400 हो गया। तो ये इसका आंसर 4400 ही होगा, ठीक है नोट करो। 23 तक बोला था कौन कौन से नहीं हुए, 16 और, चलो तो पहले 16वें क्वेश्चन पहले देखो इधर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपये, देखो इधर देखो, 31 दिसंबर 2011 को इसने पैसे लिए और लौटाए कब, 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 को लौटाए इसने। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन पैसा लिया जाता वो वाला दिन काउंट नहीं होता, और जिस दिन वापस दिया जाता वो वाला दिन भी काउंट नहीं होता, है ना। तो इसने 31 दिसंबर को लिए थे, तो अगले दिन नया साल 2012 आ जाएगा, तो 1 जनवरी से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2012 से इस पे ब्याज शुरू हुआ, और इसने वापस करे थे 1 जुलाई को, तो इसका मतलब इसने 30 जून को वापस कर दी, मतलब 30 जून तक काउंट होगा, 30 जून तक, ठीक है 2012 तक। अब देख लो जनवरी से जून कितने महीने, तो बस इसमें ये देखना समय कितना लिया जाएगा, तो समय 6 माह है इसमें, और 6 माह में कितने वर्ष होते हैं, अरे 6 माह में कितने वर्ष होते हैं, आधा वर्ष, तो इसमें समय आधा वर्ष लिया जाएगा, बस ये बात है इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें कितने पैसे लिए थे, उसने 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली थी कि वह 1 वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, ठीक है, किंतु 1 जुलाई 2012 को ही उसने वह धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता, तो बी को कितनी धनराशि लौटाएगा, तो ए पैसे ले गया था 2000 रुपये लेके गया था, तो जब वो बी को लौटाने आएगा तो क्या लौटाएगा, मिश्र धन लौटाया, मिश्र धन जाता है लेके मूलधन जाता है, और मिश्र धन कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो जो लेके गया वो प्लस उस पर जो ब्याज बना वो वापस दिया जाता है, ठीक है। यहां से ब्याज निकाल लो, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितनी है 8% गुणा समय 1/2, मतलब आधा वर्ष लिया जाएगा ना, 6 माह वो समझा दिया आपको पहले ही, और बटे में क्या आता है 100, बटे में क्या आ जाएगा, तो इससे ये दोनों जीरो आपके कैंसिल, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो ब्याज तो 80 रुपये है, वो कितने पैसे लेके गया था 2000 रुपये, तो 2000 तो वो और 80 ये, तो 2080 वापस करेगा, 2080 रुपये वो वापस करेगा, 2080, बात समझ में आ गई है, चलिएगा और कौन सा नहीं हुआ, 22वां, देखो 22वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो गई, ये राशि पहले कितनी थी 4300 थी, और 2 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये बढ़ के कितनी हो जा रही है 4644, देखो आपने अपने अकाउंट में 4300 रुपये डाले और 2 साल बाद आपने एंट्री कराई तो वो 4644 हो गए, तो ये किसकी वजह से बढ़ गए, तो इनका जो अंतर है वो ब्याज है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रहा कि तुमने दोबारा पैसे डाले हैं, कहीं भी नहीं लिख रहा, बस ये लिख रहा है कि 4300 रुपये 2 साल बाद 4644 हो गए, तो हमने तो डाले नहीं है, बैंक वाले डालने के नहीं, वो थोड़े डाल देंगे ना, डालें ना,
तो फिर बढ़े किसकी वजह से? ब्याज की वजह से। तो जो इनका अंतर है वो ब्याज है, कितने समय का? 2 साल का, ठीक है। और हमने तुम्हें क्या कहा था कि इस पूरे चैप्टर को या तो एक ही फॉर्मूले से कराएंगे या इकाई मेथड से कराएंगे। अब फॉर्मूले से कौन से क्वेश्चन होंगे? या तो तुम्हारे पास ब्याज हो या ब्याज पूछ रहा हो, ठीक है। अगर उसने डायरेक्टली ना दे रखा हो तो तुम कोशिश करे करो कैसे ब्याज मिल जाए, तो फिर ब्याज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ में दिख रहा है कि यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो, तो इनका अंतर निकाल लो आप। तो इनमें अंतर कितने का? तो ये 344 ब्याज है, और ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन वो पैसा होता है जो जमा किया जाता है बैंक में या जो ब्याज पे दिया जाता है। तो ये पैसा है तो ये मूलधन है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर दे रखिए, गुणा समय, समय कितना? 2 वर्ष, बटे 100। तो कहने का मतलब है यहाँ से दर निकल जाएगी। यहाँ से क्या निकल जाएगी? अच्छा, हम दर का निकाल के करेंगे क्या? दर निकल जाएगी तो करेंगे क्या, क्योंकि इसने ये कहा है 2 वर्ष में बढ़कर 44 हो जाती है। तो कौन सी राशि उसी साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, क्यों कह रहा पहली वाली ब्याज दर पर, तो पहली वाली ब्याज दर हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेते हैं हम, इसको, इस दर को हम निकाल लेते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कितनी बार? 2 × 2 = 2, 7 = 14, 2 × 2 = 4, और इससे 4 बार, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 17 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया? 4% आ गया। आर बराबर दर 4% आ गई ना हमारी। अब देखो इससे आगे क्या कह रहा है, ये यहाँ जो पैसा था इससे दर मिली है हमें। फिर आगे एक क्वेश्चन हो रहे है, इसी क्वेश्चन में इसने ये कहा कौन सी राशि, तो आपसे राशि पूछ रहा मूलधन, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, मतलब इस वाली ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। हो जाना क्या होता है? हो जाना क्या होता है? 10,104 हो जाएगी। ये कह रहा कौन सी राशि इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में 10,104 हो जाएगी। 5 वर्ष ये ना, तो हो जाना मिश्रधन होता है। अब देखो ये जो दूसरा वाला वाक्य है इसमें तुम्हें कहीं ब्याज दे रखा उसने, दूसरे वाले वाक्य में कहीं ब्याज दे रखा है? ब्याज बूझ रहा है, क्या बूझ रहा है? राशि बूझ रहा है। तो ना तो ब्याज बूझ रहा, ना ब्याज दे रखा, ना ब्याज निकल सकता जैसे यहां निकाल लिया था। तो अब ये क्वेश्चन ब्याज के फॉर्मूले से नहीं होगा, अब ये किससे होगा? इकाई मेथड से। किससे होगा? अगर आपके पास ब्याज है या ब्याज पूछ रहा है या आप ब्याज निकाल सकते हो, जैसे अभी निकाला था 344, तो वो क्वेश्चन ब्याज के फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। अब ये डबल स्टेप का क्वेश्चन है, हमें दर की आवश्यकता थी तो दर हमने यहाँ से निकाल लिए। अब ये हमसे राशि पूछ रहा कौन सी राशि इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाना मिश्रधन होता है, इसका मतलब ये मिश्रधन है। अब मिश्रधन है तो इकाई मेथड से क्वेश्चन होगा। कैसे क्वेश्चन होगा? अब इकाई मेथड का प्रोसीजर क्या है? जो किताब वाला तुम्हें देता आप भी कुछ मान के वो निकाल लो। तो किताब वाले ने हमें मिश्रधन दिया है तो आप भी मिश्रधन निकाल लेंगे। आप भी क्या निकालेंगे? अब मिश्रधन कौन से धन को कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन तो ये तुमसे बूझ ही रहा है तो उसको तो मानना पड़ेगा। और साधारण ब्याज में अगर मूलधन माना तो 100 मानते हैं। क्यों? क्योंकि बटे में 100 होता, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए साधारण ब्याज में मूलधन कितना मानना है हमको? चलो हमने मूलधन तो 100 मान लेंगे, पर हमसे मूलधन नहीं, उसने तो मिश्रधन दे रखा है। और मिश्रधन होता मूलधन प्लस ब्याज, इसका मतलब फिर तुम ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ो और इसके बराबर रख दो, ठीक है। तो हमने मूलधन अपने पास से 100 मान लिया। अब आप ब्याज निकाल लो। ब्याज क्यों निकाल रहे हम? क्योंकि हमें मिश्रधन चाहिए और मिश्रधन होता मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो ये रहा, ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दो तो इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो मूलधन गुणा दर, उसने कहा इसी दर पे 5 वर्ष में बटे 100, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ से ब्याज बना है वो 20 रुपये बना है। कितना बना है? पर ब्याज नहीं चाहिए हमको, हमको मिश्रधन चाहिए। कौन सा धन चाहिए? अब मिश्रधन क्या होता? मूलधन प्लस ब्याज। तो ये रहा मूलधन और ये रहा ब्याज, तो इन दोनों को जोड़ दो तो मिश्रधन हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो 120 आ गया। तो हमारा मिश्रधन 120, जबकि किताब वाले का मिश्रधन 10104 है। कितना है? 10104 है। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं और फिर उसके बाद जो तुमसे बूझे, तो ये राशि पूछ रहा, राशि हमने 100 मानी है। तो यहाँ तो किसी की गुणा करके या भाग करके 100 नहीं आ सकता, तो पहले थोड़ा सा छोटा कर लो आप इसको, 12 से काट लो। कितने से काट लो? तो 12 ही कम 12, ठीक है। और 12 8 कितने होते हैं? 12 8 होते हैं 96, बच गए 5, हो गए 50। 12 4 48, बचे 2, हो गए 24, 12 2 9। अब अगर तुम एक निकालोगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा, और अगर तुम 100 बनाना तो 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ। अरे फाइनली तो तुम्हें 100 की वैल्यू चाहिए, तो क्या तुम्हारा दिमाग बोल नहीं रहा कि इसमें 10 से गुणा कर दो? 10 की वैल्यू तुम्हारे पास है, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 10 × 100, और इधर भी 10 से गुणा कर दो आप। हाँ, ये लीजिए, आगे समझ। तो डबल स्टेप में क्वेश्चन था, पहले वाले हिसाब किताब से दर निकाली,
और फिर ये बिल्कुल सिंगल अलग क्वेश्चन है, मिश्रधन दे रखा है, तो आपने भी मिश्रधन निकाल के उसके बराबर रख के एक निकाल के सौ पे हमने क्या निकाल ली, अपनी राशि निकाल ली, वो हमसे राशि ही पूछ रहा था। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनको नोट करके तो तुम लेके जाते हो, फिर इन क्वेश्चनों को दोबारा से करे करो, जो ना हुआ करे तो खोल के देखे करो कहाँ से नहीं हो रहा। ठीक है, जब तक बिना देखे पूरा ना कर लो, इतने छोड़ो मत क्वेश्चन को। तो ये ऐसा तुम्हें कुछ दिन करना पड़ेगा, फिर नहीं करना पड़ेगा। और कौन सा नहीं हुआ? तो कल कहाँ तक बोले थे? चलो तो आ जाओ 24 पे आ जाओ। 24 देखो ध्यान से, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। हमने तुम्हें सिखाया है अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या है तो उससे पहले का की के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो बताओ इससे पहले का किसके लिए लग रहा है? मूलधन के लिए लग रहा है, तो नीचे वाला मूलधन हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला वो होगा जो यहाँ दूसरी चीज है, तो यहाँ दूसरी चीज क्या है? ब्याज है। दूसरी चीज क्या है यहाँ? ब्याज है। ये कह रहा है ना साधारण ब्याज मूलधन का, तो का वाला तो नीचे हो गया, दूसरा साधारण ब्याज है वो ऊपर वाला हो गया। ठीक है, देखो तो ऐसा ही हो गया। ठीक, अब देखो सपोज करो तुमने किसी को 16,000 रुपये दिए ब्याज पे, हाँ, तो ब्याज हो गया 25,000, अब 16,000 तुम्हारे वो, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 2, 3, 1, 4, 41,000 कितना हो गया? अरे दिया कितना था तुमने ब्याज पे? 16, और हो कितना गया? ब्याज हुआ 25, तो हाँ मतलब ब्याज आपका मूलधन से भी ज़्यादा हो गया जितने आपने दिए थे। ऐसा कब होता है? क्यों ऐसी कंडीशन कब आती है? ऐसी कंडीशन जब आती है जब पैसा ले रहे हो ना तुम किसी से उधार, और जब ही कसम खा लो वापस नहीं देने, ऐसा जब होता है बस, है ना, देने तो है ही नहीं, वरना दुगने में थोड़ी सी कमी रह रही है बस, और मूल का मूल आपके पास बचा हुआ है ऐसे। ठीक है, क्या चलो हमें क्या मतलब, ब्याज हमारे पास है, हमने तुमसे कहा अगर ब्याज है या ब्याज बूझ रहा तो कुछ मत देखो, फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर दिए इसने गुणा समय बटे सो, तो यही कह रहा है दर और समय बराबर है। पढ़ो क्वेश्चन में, ये कह रहा है दर और समय क्या है? बराबर है, तो दर बताओ। तो जब दर और समय बराबर को कह रहा है और दर बूझ रहा, तो दोनों जगह आर कर दो, टी की जगह भी आर कर दो। और अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि दर और समय बराबर और समय बताओ, तो फिर दोनों जगह टी कर देते, दोनों जगह क्या कर देते, तो अब यहां भी आप आर कर दो, यहां भी आप क्या कर दोगे? 4 चौक और 4 से कितनी बार, तो नीचे वाले की तो ऐसे ही गुणा होती है, हाँ, और ऊपर वाले की ऐसे गुणा होती है, संभल के ना बैठोगे तो ऐसे गिर जाता है, जो नीचे संभल के बैठता ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, 625/4, 625/ आर की आर में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, पर वो हमसे आर पूछ रहा है तो स्क्वायर हटाना होगा, जब स्क्वायर हटाते तो सामने वाले का रूट लेना होता है, तो 625 का रूट तो 25 होता है और 4 का रूट 2 होता है और बराबर में आर हो गया। अब ये 25 का आधा 12.5 होता है, हाँ, या ऐसे निकालोगे 2 एकम 2, 2 दून 4, जितना वैसे निकल सकता हो उतना कोशिश करे करो आप, वो स्पीड बढ़ जाती है, 25 का आधा 12.5। ठीक है, किसी का भी आधा करना है तो 2 से भाग करते हैं, कितने से भाग करते हैं? 2 से भाग करते हैं, 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो या 12.5 लिख सकते हो, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ आपको? चलो तो 25 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, इनकी ट्रिक होती है दर वर ये समय में निकालने की ट्रिक होती है इनकी, है ना, फिर उसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब सीधा सीधा तुम्हें सिखा दिया है, ब्याज वाले फॉर्मूले से तो चल रहे सारे क्वेश्चन। चलो 25वां, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुणी हो जाती है। स्वयं की, अरे की किसके लिए लग रहा है? स्वयं के लिए, और स्वयं राशि है, तो नीचे वाली तो राशि होगी, बोले तो मूलधन। अब ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला क्या, हाँ, अरे ये क्या नीचे वाला रहा, राशि और मूलधन क्या होता? अरे बंजा, स्वयं की, तो स्वयं तो राशि के लिए कहा जा रहा है, तो राशि तो 6 है, राशि क्या है? 6 हो जाना मिश्रधन होता है, वो ये कह रहा वह राशि स्वयं की 7/6 गुणी हो जाती है, तो हो जाना क्या कहलाता है? तो ऊपर वाला मिश्रधन है, ऊपर वाला क्या है? और मिश्रधन कौन सा धन होता है? मूलधन प्लस, और अगर मिश्रधन में से मूलधन को हटा दो तो क्या बचता है? ब्याज। इसे 6 से 7 किसने करा? ब्याज ने, तो ब्याज 1 रुपया, ब्याज कितना है? और यही तो चाहिए हमें, ब्याज ही चाहिए, इस क्वेश्चन हो जाएगा, तो ब्याज मिल गया हमें, तो ब्याज होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर है, या पूछ रहा है हमसे, मूलधन गुणा दर,
गुणा समय बटे 100, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2 से ये 3 बार और 2 से ये 50 बार, तो 50 यहाँ 9 यहाँ, ठीक है। तो 50 बटे 9 बराबर r। अब भाई मिश्र भिन्न में दे रखा उसने, तो 9 पंजे जितनी बार पाड़ा पढ़ते उसे तो यहाँ लिखते हैं, फिर बचा 5 उसे ऊपर लिखते हैं, जो नीचे उसे नीचे रखते हैं। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। 5 सही 5 बटे 9% 26वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन के 8/5 के बराबर हो जाएगी। मूलधन के 8/5 के बराबर हो जाएगी, तो के तो मूलधन के लिए लग रहा है, तो मूलधन तो हो जाएगा 5 और हो जाना होता मिश्रधन, तो मिश्रधन हो गया 8। मिश्रधन क्या हो गया, तो 5 से 8 किसने करा, ब्याज ने। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर तुमसे पूछ रहा गुणा समय, कितने समय में हुई है घटना 5 वर्ष में, और बटे 100, बटे में 5 पंजे 25 चौका 100 और 4 तिया 12। लो जी, कहाँ जरूरत है ट्रिक की, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है। याद कुछ करना नहीं है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 तुम्हें याद हो जाएगा जरूर, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन, अरे दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होगी। कोई राशि 5 वर्ष में 60% बढ़ गई, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता, तो 100 का 60% 60 और बढ़ गए तो जोड़ दो 160, तो 100 से 160 किसने कर दिया इसको, अरे बोलो जल्दी से, ब्याज ने। किसने कर दिया, तो जितना ज़्यादा है वही ब्याज है, तो 100 से ये 60 ज़्यादा, तो 60 तो ब्याज हो गया। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर, दर दे रखी है इसने, दर क्या करा, ये दर निकालनी पड़ेगी। देखो, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि पर 60% की वृद्धि होती है उसी ब्याज दर पर, ये करा उसी ब्याज दर पर, दर है ही नहीं क्वेश्चन में, तो पहले यहाँ से दर निकाल लो, पहले यहाँ से क्या निकाल लो, दर निकाल लो। तो 60 बराबर यह है ब्याज, और ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितने समय में हुई है घटना 5 वर्ष बटे 100, ठीक है, 100 से 100, और आर बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से ये 12 बार, तो दर तो आ गई 12%। तो शुरू वाला जो हिसाब किताब था उससे तो दर निकल गई, अब नया क्वेश्चन शुरू होगा दोबारे से। फिर आगे क्या बोल रहा है, ये उसी ब्याज दर पर इस पर 2 वर्ष में 6250 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ओहो, चक्रवृद्धि ब्याज बूझ ले, धोखे से लग गया होगा क्वेश्चन यहाँ, बच्चों सिखा देते हैं तुम्हें, जिसको समझ में आए वो भी अच्छी बात, जिसको ना आए वो भी अच्छी बात, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो समझाएंगे अच्छे से, जीरो से बिल्कुल, ठीक है। देख लेना एक झलक, देख लो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। अब देखो, हमारे पास राशि भी है, समय भी है 2 वर्ष, और दर भी है। ब्याज के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या, राशि दर समय, इन 3 चीज़ के बिना ब्याज नहीं निकल सकता। राशि होनी चाहिए, दर होनी चाहिए, समय होना चाहिए, तो तीनों दो चीज़ हैं, ये करा उसी दर पर, तो दर तो ये रही 12%, पैसा उसने दिया 6250 रुपये का, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो 2 साल का, तो सारी चीज़ें तो दिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं 6250, कितने हैं, और इसको तुम्हें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 साल का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जो है फॉर्मूले से हम निकालते नहीं है, साधारण ब्याज पूरा फॉर्मूले से करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बिना फॉर्मूले के करेंगे, सारे इकाई मेथड से करेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये जो नोट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, इधर को देख लो, ये है इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 साल का, तो क्या करते, जो पैसा उसे यहाँ लिखो, और जो रेट है उतने परसेंट निकाल दो, वो पहले साल का ब्याज हो जाएगा। तो रेट तो 12% है, तो इसका 12% निकालो, इसका कितने परसेंट निकालो, अब देखो दिमाग नहीं, आँख लगाओ यहीं, बटे में 100 आ गया, 1 जीरो कट गई, तो अभी 1 जीरो और बच रही है, 12 पंजे 60 वाली जीरो भी कट गई, तो हमारे पास 6 है, क्या है, 6 है, तो 12 दूनी 24 और 6 30 की जीरो हासिल 3, और 12 छिंग 72 और 3, तो ये पहले साल का ब्याज आ गया। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर ही होते हैं, पर वो 2 साल का पूछ रहा ना, तो देखो दूसरे साल में क्या करेंगे, ये तो उठा कर रख लेते हैं यहाँ कि ये तो मिलना ही मिलना है, ये तो ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे, और प्लस इसका 12% निकाल दो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा दूसरे साल, इसका 12% और मिलेगा, तो इसका 12% यहाँ को निकाल लेते हैं, 750 का 12% बटे में 100 जीरो, 12 पंजे 60 वाली से ये भी खत्म, 6 और 12 सत्ते 84 और 6 90, अरे 12 सत्ते कितने होते हैं, हाँ बताना रे, अब इसमें 90 जोड़ दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 840, कितना हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज है, वो 2 साल का बूझ रहा, दूसरे साल का नहीं,
दूसरे साल में और दो साल में अंतर होता है। दूसरे साल का मतलब तो बस यही है, दो साल का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे क्वेश्चन, वो कहेगा दूसरे साल का ब्याज 536 है, तो तुम्हें भी दूसरे साल का निकालना। बच्चे क्या करते, दोनों को जोड़ के उसके बराबर रख देते, गलत हो जाता क्वेश्चन। अगर कहे दो साल का, तो जोड़ के जब रखा जाएगा तो वो दो साल का ही बुझरा जोड़ दो, 0, 4, 5, 9, 8, 7, 15 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आसान है अगर इस तरीके से निकालोगे, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज जो है मूलधन का, तो का मूलधन के लिए लग रहा है, तो नीचे वाला मूलधन, और दूसरी चीज यहाँ ब्याज है, तो ये ब्याज, ये क्या हो गया, बस ब्याज मिल गया तो क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा है दर और वर्ष जो है बराबर हैं, वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, आर और टी बराबर है। अभी अगर आर बूझ रहा तो दोनों जगह आर लिखेंगे, टी बूझ रहा तो दोनों जगह टी लिखेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो टी की जगह भी आर ही लिखेंगे, टी की जगह भी क्या लिखेंगे, आर ही लिखेंगे। तो 25 चौका और 16 चौका, तो आर के आर में करेंगे स्क्वायर हो गया, और 16 चौका हो गया 64, तो आर बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, बस दर ही पूछ रहा था। 29वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है, ब्याज की दर क्या है। अरे ब्याज कितना, 8400, ब्याज कितना है 8400, मूलधन कितना है 6000, मूलधन कितना है 6000, दर आपसे पूछ रहा है, समय कितना है 7, बटे में आ जाएगा 100, बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल और ये जीरो भी कैंसिल, 42 से 20 बार, चलो 7 × 7 और 7 × 2 = 14 और 6 × 2 = 12, तो 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, बस दर ही तो पूछ रहा था। देखो 30वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या है, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47500 है, कितना है 47500 है। पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% होगी तथा अगले 8 वर्ष के लिए 15% होगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्याज है, हाँ ये 5 साल हैं, ये कितने साल हैं 5 वर्ष, कितने वर्ष हैं 5 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हैं, और यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हैं। वो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक तो मैं रेट लूँगा 10%, ब्याज का रेट कितने लूँगा, पर 5 साल के बाद फिर 3 साल लास्ट के 3 साल लूँगा 15%, कितने परसेंट, अब जिसको ज़रूरत होती है वो लेता ही है, अब कोई ले गया उससे तो उसको कितना ब्याज बन गया, 5 और 3 8 साल में कितना ब्याज बन गया 47500, तो वो ये और ये ब्याज है, ये और ये ब्याज है। तो आप भी दोनों जगह का ब्याज निकालो और बराबर रख दो, आप भी दोनों जगह का क्या निकालो, ब्याज और बराबर रख दो। ब्याज के लिए क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, हाँ समय दर मूलधन, समय दर मतलब पैसा, दर और समय अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ब्याज नहीं निकलने का। तो इसने समय तो दे रखा है, दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, दर भी दे रखा है, तो मेन चीज़ ही नहीं है पैसा, और पैसा ही तुमसे बूझ रहा है ये, तो जिसको बूझता उसको मान लेते। और साधारण ब्याज में अगर मूलधन मानना हो तो 100 मानो, क्योंकि कट जाएगा बटे में, तो हमने मूलधन 100 मान लिया। तो अब पहले तो आप 5 साल का ब्याज निकालो, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितनी है 10 और गुणा समय कितना है 5 और बटे में आ जाएगा 100, तो 100 से तो 100 कट गया, 10 × 5 = 50, तो पहली जगह यहाँ से यहाँ तक का ब्याज तो 50 बन गया। अब उससे आगे का निकालो, तो मूलधन गुणा अब दर 15% हो जाएगी, कितने परसेंट हो जाएगी 15%, और गुणा समय और बटे 100, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, तो 5 × 3 = 45, ठीक है। तो दूसरी जगह से ब्याज कितना बन गया 45, तो दोनों जगह से ब्याज कितना बन गया, दोनों जगह से, तो किताब वाले का दोनों जगह से ब्याज कितना है 47500 है। यहाँ तक देखो कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 47, तो यहाँ तक 5 बार कट गया, तो 2 जीरो आपकी ऐसी आ जाएंगी, है ना। तो एक बराबर कितना हो गया 500, एक बराबर कितना, अब एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे राशि पूछ रहा है, तो राशि कितनी मानी थी, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो,
दोनों तरफ कितने से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, तो दो जीरो और बढ़ा दो, है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इससे आगे आ जाओ, 31 पे आ जाओ, 31। 31 में क्या है, 31 है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज, अरे दो जगह पैसा दिया था उसने, कितनी जगह पैसा दिया था, एक जगह तो 400 रुपये दिए 3 साल के लिए, ये कौन बजा रहा है, दूसरी जगह 500 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए, और दोनों जगह से जो मिलके ब्याज आया 160 रुपये आया, कितना ब्याज आया 160 रुपये। तो कह रहा वार्षिक दर क्या होगी, तो दर पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, ये दर पूछ रहा है, ठीक है। अब दर तो है नहीं तो मानना पड़ेगा, अब दोनों जगह से उसका ब्याज 160 है, आप भी दोनों जगह से ब्याज निकालो और बराबर रख दो, आप भी दोनों जगह से ब्याज निकालो और बराबर रख दो। पर ब्याज के लिए तो तीन चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या, समय दर मूलधन, हाँ मूलधन दर और समय, मूलधन दर और, तो मूलधन बोले पैसा तो है, दर नहीं है, समय तो है। पहला पैसा कितना 400, समय 3 वर्ष है, दूसरा पैसा कितना 500, समय 4 वर्ष है, पर दर नहीं है, हाँ तो दर मान लो कुछ, हाँ एक मान लो, कितनी मान लो, दो मान लो, दो से भी हो जाएगा, तीन से भी हो जाएगा, एक्स से भी, वाई से भी, गधे से, सबसे हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, करके दिखा देंगे तुम्हें आज। देखो एक मान लेते पहले, तो पैसा कितना है 400, तो मूलधन गुणा दर मानी हमने एक, जो माना उसे सर्कल में डाल दिया, जैसे तुम्हें पता रहे कि माना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 3 वर्ष है, और बटे में कितना जाएगा 100, तो पहली जगह से ब्याज कितना हो गया 12, पहली जगह से ब्याज कितना, अब उसने दूसरी जगह कितना पैसा लगाया है 500 रुपये लगाए हैं, हाँ दर वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 4 वर्ष, और बटे में कितना है 100 है, कितना है 100 है, तो 5 चौक, तो दोनों जगह से ब्याज कितना बना 32 बन गया, जबकि किताब वाला का कितना है 160 है, कितना है, अब इससे कितनी बार कैंसिल होगा ये, हाँ 5 बार, 5 दूनी 10 और 5 3 16, तो 1 = 5 हो गया। अब एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे तो दर ही तो पूछ रहे हैं, और तुमने दर कितनी मानी थी, अरे दर कितनी मानी थी, तो बस अब तुम दो मानते तो दो की वैल्यू निकालनी होती, अब तुम कहोगे दो मानते तो फिर तो 10 आती दर, हाँ देखो क्या को देखो, दर मानो दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, 3 दूनी 6 चौक 24, दूसरी जगह से ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, हाँ दोनों जीरो, 5 चौक 20 पंजे, हाँ 4 दूनी 8 पंजे 40, तो दोनों जगह से ब्याज कितना हो गया, हाँ 64, उसका ब्याज कितना है 160, ठीक है। अब ये इससे कितनी बार कैंसिल हो सकता है, हाँ नहीं हो रहा, 160 बटे 64, ठीक है, 4 से कर लो, या चलो वहीं कर लो, 4 से ये 16 बार और 4 से ये 40 बार, 8 से करो छोड़ो, 8 से ये 8 बार और 8 से ये 20 बार, ठीक है। अब तुमने दर कितनी मानी थी 2, तो 8 का 2 बनाने के लिए क्या करूँ, 8 का 2 बनाने के लिए 4 से भाग कर दो, कर दो दोनों तरफ 4 से भाग, ठीक है। पर तुम्हें तो वैसे ही दिखा दूँ, तुम्हें क्या होंगे, कभी तुमने वैसे ही ये जादू वादू कर दिया, क्या पता चलता, ये देखो एक ये दो ये, तो 2 से ये 4 और 4 से ये 5 बार आ गई ना दर 5, अरे आ गई, और भी कुछ मान के तुम कर सकते हो, हैं हाँ गधा मान, यहाँ तुम्हें गधा ही तो लिखना पड़ेगा, यहाँ 400 लिख दिया आपने, दर मान ली तुमने गधा, समय ये है आपका बटे 100 है, ये खत्म, तो 4 तिया तो 12 गधे ब्याज आ गए आपका, ठीक है। यहाँ जो मूलधन गुणा दर माना आपने गधा, समय 4 है बटे 100, तो 5 चौक 20 गधे, क्यों भाई, हाँ तो टोटल कितने गधे हो गए, अरे 2 और 32 गधे, तो तुम्हारा ब्याज 32 गधे, गधे ऐसे ही लिखा जाएगा ना, और किताब वाले का कितना क्या लिखा गया ये, चलो अब से 32 से कितने तो गधे बराबर 5, अब तुमने दर क्या मानी थी गधा
तो 40 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 41, 42, 43, 44, 45 वाले क्वेश्चन आज हमको करने हैं। तो ये एक से कॉन्सेप्ट हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 देखो आप, तब समझ में आएंगे शुरू के दो तीन क्वेश्चन। तो 44वां क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो 44 में क्या कहा गया है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बन जाती है। बन जाना या हो जाना क्या होता है, मिश्रधन होता है। भाई कोई पैसा तुमने बैंक में जमा करा और 2 साल बाद वो 2240 हो गया, कितना हो गया 2200, तो हो जाना मिश्रधन होता है। हो जाना क्या होता है, तो ये 2 साल का मिश्रधन है, और मिश्रधन कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस। तो 2 वर्ष का मिश्रधन दे दिया इसने आपको, पहले कितना दे दिया है 2240, तो ऐसे लिखेंगे 2a बराबर 2240, क्योंकि मिश्रधन को a से लिखते हैं, मिश्रधन को किससे लिखते हैं a से लिखते हैं, इसलिए 2 साल का मिश्रधन आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2a बराबर 2240। उससे आगे फिर क्या कह रहा है, और 5 वर्ष में 2600 बन जाती है, 5 वर्ष में कितनी बन जाती है, तो बन जाना या हो जाना मिश्रधन होता है, तो ये 5 वर्ष का मिश्रधन है, ये कितने वर्ष का मिश्रधन है, 5 वर्ष का, कितना है 2600। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम्हारा बैंक में अकाउंट है, क्या है बैंक में अकाउंट है, तो तुमने ए 2 साल पहले, आज से कितने साल पहले, 2 साल पहले उसमें कुछ पैसे डाले थे, हाँ, तो आज तुम एंट्री कराने गए तो उसमें 2240 रुपए थे, कितने रुपए थे 2240 रुपए थे। अब उसके 3 साल बाद, ये 5 साल का मिश्रधन है ना, ये 2 साल का, तो इनमें कितने का अंतर है 3 का, 3 साल बाद आप उधर को जा रहे थे, आपने जो एंट्री करा के देखी तो वो 2600 हो गए, कितने होंगे, और 2 साल पहले, 3 साल पहले कितने थे, तो मैनेजर ने तो घेरे नहीं होंगे, बैंक का मैनेजर थोड़ी घेर देगा, क्यों भाई वो तो काटते ही, मैसेज के कट गया, रिस्क के कट गया, उसके कट गए, हाँ वो कहाँ घेरेंगे। तो ये 2240 से 2600 किसकी वजह से हुए, हाँ क्योंकि ना मैनेजर ने डाले, तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, तुमने भी नहीं डाले तो बढ़े किसकी वजह से, बस तो जो इनके बीच का अंतर है वो ब्याज है, जो इनके बीच का अंतर है वो क्या है, ब्याज है। अब हम कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज ही है, तो ये कितने साल का ब्याज होगा जो यहाँ अंतर होगा, तो ये 3 साल का साधारण ब्याज है, 3 साल का क्या है, साधारण ब्याज है, घटा लो 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो 360 रुपये ब्याज बन गया 3 साल का। अब हम ब्याज क्यों निकाल लें, कोई वजह तो होनी चाहिए, वो तुमसे राशि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है राशि, इधर देखो 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज अगर बन रहा है तो ये 110 क्या है, मिश्रधन है, 110 क्या है, तो तुम्हारे पास मिश्रधन ही तो है। अब देखो मैं कह रहा हूँ 110 रुपये मिश्रधन है, हाँ, और तुमने 100 रुपये ब्याज पे लगाए थे और 10 रुपये ब्याज बन के 110 हो गए, और मैं कह रहा हूँ कि मिश्रधन ये रहा, तो बताओ मूलधन कितना है, तो इसमें से इसे घटाओ, 110 में से 10 घटाओ कितना आएगा 100, ये मूलधन है, ये आपका ब्याज है, ये आपका मिश्रधन है, अगर मिश्रधन में से ब्याज को घटाओ तो मूलधन आ जाएगा, और मूलधन बोले तो रकम या राशि, जो ये बूझना चाह रहा है, ये वही बूझना चाह रहा है, तो सीधी बात ये स्पष्ट होती है, अगर हमें यहाँ से राशि निकालनी है तो हमारे पास मिश्रधन है, मिश्रधन में से ब्याज को हटा दो तो क्या बचेगा, राशि तो बचेगी, देखो ये मिश्रधन है ये ब्याज है, घटाओ तो 100 आ रहा नहीं आ रहा है, तो सीधी सीधी बात ये हो जाती है, अगर हमें यहाँ से राशि चाहिए तो मिश्रधन में से ब्याज घटा दो, मिश्रधन में से क्या घटा दो। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको, जितने समय का मिश्रधन है उतने ही समय का ब्याज घटाना पड़ेगा, जितने समय का मिश्रधन है उतने ही समय का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास 2 मिश्रधन, एक तो 2 साल का है और एक 5 साल का है, एक 2 साल का है और एक 5 साल का है, ठीक है। अब तुम या तो 2 साल का ब्याज बना लो तो इसमें से घटाओ, या 5 साल का ब्याज बना लो इसमें से घटाओ, राशि आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, छोटा वाला ही करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, हमारे पास 2 साल का मिश्रधन है तो पहले हमें 3 साल का ब्याज है हमारे पास, तो पहले 1 साल का निकाल लो, तो 1 साल का कैसे निकालेंगे, जो इधर होता उससे भाग कर दो, ठीक है, तो 3 से भाग करो तो 3 ही कम 3, ठीक है, और इधर भी 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 साल का ब्याज 120, अब हमें चाहिए 2 साल का ब्याज, तो इधर दोनों तरफ गुणा कर दो 2 से, कितने से गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो, तो 2SI बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी कितने होते हैं, तो 2 साल का ब्याज हो गया 240, और 2 साल का मिश्रधन कितना है 2240, घटा दो तो राशि आ जाएगी, तो घटा लेते हैं, चलो 0 0 0, बोलो किसको समझ नहीं आया, जब मिश्रधन आपके पास हो और राशि तुमसे बूझे तो उसमें से ब्याज घटा दो, राशि आ जाएगी, उसमें से क्या घटा दो, कितने समय का ब्याज घटाओगे, जितने समय का मिश्रधन होगा, जितने समय का क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी कर सकते हो, फिर बस तुम्हें 5 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, 1 साल का ब्याज 120, तो 5 साल का कितना, 5 से गुणा करो 12 5 60, तो 600 हो गया। अब देखो 2600 में से 600 घटाओ तो आएगा 2000 या नहीं आ जाएगा, तो सीधा सीधा आप इसको ध्यान रखो, मिश्रधन में से ब्याज घटाते तो मूलधन आ जाता है, ठीक है, तो रकम का मतलब मूलधन से ही है। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो 43
43 और 44 तो सेम ही है, कौन सा कराया हमने 44 कर दिया है। चलो तो इसमें 43 में क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 हो रही है, 3 वर्ष में 575 हो रही है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखो 43 पे आ जाओ, हो जाना क्या होता है, तो इसने हमें एक तो 2 वर्ष का मिश्रधन दिया, तो इसे लिखेंगे हम 2A, तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा। और फिर ये कह रहा है 3 वर्ष में वो कितनी हो जा रही है, 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है 575 हो जा रही है, कितनी हो जा रही है 575 हो जा रही है। तो कह रहा 4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो हो जाना क्या होता है, हो जाना क्या होता है, तो ये तुमसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है 4 वर्ष का, कितने वर्ष का 4 वर्ष का मिश्रधन पूछना चाह रहा है। आपके पास कितने वर्ष का 2 वर्ष का मिश्रधन है और 3 वर्ष का मिश्रधन है। अब ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष का ये इसका डबल कर दो तो 4 वर्ष का आ जाएगा मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस, और मूलधन जो है वो तो फिक्स है, ब्याज ही तो हर महीने बढ़ेगा, तो ऐसे दुगना तिगना नहीं कर सकते कि 2 वर्ष का ये रहा मिश्रधन तुम्हें 4 साल का चाहिए। यूँ कह रहा कि 4 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, तो हो जाना मिश्रधन होता है, हो जाना क्या होता है मिश्रधन, तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें सीधा सीधा पहले राशि निकालनी पड़ेगी, पहले इतना करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, जितना ये करा है ना इतना करना पड़ेगा, उससे एक लाइन आगे और जाएंगे हम। तो पहले हमें क्या निकालनी है, राशि। तो राशि कैसे निकलती है, मिश्रधन में से ब्याज घटा दो, मिश्रधन में से क्या घटा दो, तो पहले तो ब्याज का ही पता कर लो आप, 2 साल में वो 550 हो रही है, 3 साल में 575 हो रही है, तो यहाँ कितने का स्पेस है, एक का, तो 1 साल का ब्याज है ये जो इनके बीच अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट, अंतर कितने का है, 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, 1 साल का ब्याज कितना है 25 रुपये है। अब हमारे पास या तो 2 साल का मिश्रधन है या 3 साल का, तो बोलो यहाँ से घटाओगे या यहाँ से घटाओगे, 2 से घटा लें, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, जब 1 साल का ब्याज 25 रुपये है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 25 दुनी, अब 2 साल के ब्याज को 2 साल के मिश्रधन में से घटा दो तो राशि आ जाएगी आपकी, ठीक है, राशि बोले तो मूलधन, ठीक है, तो कितना आ गया 500 आ गया, कितना आ गया 500, पर वो राशि ना पूछ रहा, इस बार इस वाले क्वेश्चन में राशि पूछी थी, ये कह रहा 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि देखो 500 रुपये है। अब 500 रुपये की राशि पे तुम्हें ये पता चल गया कि 1 साल में कितना ब्याज बनता है, 2 साल में, 3 साल में और 4 साल में, तो 100 रुपये और जोड़ दो इसमें, ये 4 साल में 100 रुपये हो जाएगी, तो 600 आंसर, क्यों भाई। अब इसको भी फॉर्मूले से करें तो कोई फायदा थोड़ी है, जब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 4 साल में ये कितनी हो जाएगी, तो इसमें 4 साल का ब्याज जोड़ दो आप, तो 1 साल का ब्याज 25 रुपये, तो 4 साल का ब्याज 100 रुपये नहीं हो जाएगा, तो आप इसमें 100 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, तो हमने यहाँ पे 100 जोड़ दिया, तो ये राशि कितनी हो जा रही है, बस ये मिश्रधन बूझ रहा था, ये आगे आंसर, ठीक है, आगे समझ, इससे ऊपर चलो 42 पे आ जाओ, क्या चलो 41 पे ही आ जाओ, दोनों एक से ही हैं, 41 दोनों सेम है, एक मैं करूँगा एक तुम करोगे इनमें से। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012, ढाई वर्ष में कितनी हो रही है, हो जाना व्यवस्थितन होता है 1012 हो जा रही है, ठीक है, तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो रही है, 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जा रही है, ठीक है। तो ये तुमसे कह रहा ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की इस बार दर बूझ ली, दो जगह मिश्रधन देके आपसे इसने, देखो दो जगह मिश्रधन देके पहले राशि बूझी, दो जगह मिश्रधन देके फिर मिश्रधन बूझा, अब दो जगह मिश्रधन देके आपसे ब्याज दर पूछ रहा है, तो इन तीनों ही क्वेश्चनों में तुम्हें यहाँ तक जाना पड़ेगा, जरूर राशि निकालनी पड़ेगी पहले जरूर, ठीक है। तो राशि तुम्हें अभी बताया कैसे निकलता, मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं, तो पहले ब्याज का पता करते हैं, तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ हाँ 1.5 का अंतर है, तो ये 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा जो इनका अंतर होगा, तो अंतर कितने का हो जाएगा आपका, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया, तो 55.20 रुपये ब्याज है 1.5 वर्ष का, कितने वर्ष का, तुम पहले 1 वर्ष का निकाल लो, फिर तुम्हारी मर्जी है तो 2.5 वर्ष का निकाल लेना या 4 वर्ष का, अगर 2.5 का निकालोगे तो ऊपर वाले में से घटाओगे, और 4 वर्ष का निकालोगे तो नीचे वाले में से घटाओगे, बात समझ में आ गई, चलिएगा। तो पहले ये तो हो गया 1 का, देखो जब पूरा पूरा कैंसिल ना हो और तुम्हें 1 निकालना हो तो इसे उठा के इसके नीचे लिख दो, वो 1 ही कहलाता है, तो 1 हो गया ये, देखो यहाँ तो कैंसिल हो रहा था ना सीधा सीधा, यहाँ तो 1 साल का ही था, कहाँ कैंसिल करा, यहाँ करा कहीं, कहीं नहीं करा, छोड़ो, हमें 1 निकालना तो जो इधर होता उससे भाग करते हैं, सपोज करो ऐसे होता 15 SI = 30, 15 SI = कितना होता, तो हमें 1 निकालना, तो 15 ही कम और 15 दुनी, तो डायरेक्टली ऐसे निकाल देते, जब सही सही से ना कटता तो इसे उठा के इसके नीचे लिखो, वही 1 कहलाता, वही क्या कहलाता है,
एक, तो ये तो हमारा एक हो गया। इसके बाद अब जो हमें निकालना है, जो हमें निकालना है, तो तुम ढाई वर्ष का मिश्रधन निकाल लो, मतलब ब्याज, ढाई वर्ष का क्या निकाल लो आप, ब्याज। तो ढाई से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, ढाई से गुणा कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट हटा लो, ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, और 25 छक्का, अब 6 से देख लो, 6 निम 54 और 6 दुनी, तो ये ब्याज आ गया ढाई वर्ष का, कितने वर्ष का ब्याज आ गया है ये। अब इस ढाई वर्ष के ब्याज को आप ढाई वर्ष के मिश्रधन में से घटा दो तो राशि आ जाएगी, क्या जाएगी, तो घटाओ कितना बचा, 900, तो ये राशि आ चुकी है आपकी, क्या आ चुकी है। पर हमें राशि नहीं चाहिए इस बार, हमें दर चाहिए इस बार, दर। तो आप एक काम करो, ब्याज है तुम्हारे पास, यहाँ है हमारे पास, हमारे पास 1.5 साल का ब्याज भी है और 2.5 साल का ब्याज भी है। तो देखो 2.5 साल का थोड़ा सही सा लग रहा बयान में, बिना दशमलव वाला है, तो ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दो आप। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन ये रहा, गुणा दर, दर आपसे पूछ रहा, गुणा समय, सही सुनो। अब समय उतना लिया जाएगा जितने समय का तुमने ब्याज लिया है, तो तुमने ये जो ब्याज है ये कितने समय का है, तो यहाँ 2.5 है। अब ये जरूरी ना है इस वाले ब्याज से ही होगा, आप 1 साल वाले ब्याज से भी कर सकते हो, तो फिर समय की जगह 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। पर 1 साल का हमारे पास है नहीं ऑलरेडी में, 1.5 साल का कितना, 55.2, तो फिर अगर हम 55.2 ब्याज रखेंगे तो फिर यहाँ 1.5 रखेंगे, ठीक है। तो जितने साल का ब्याज लिया है उतने ही साल का इधर समय रखा जाएगा, ठीक। तो समय कितना रखेंगे हम, यहाँ 2.5 रखेंगे, और बटे में क्या आता है, 100 आपको पता ही आता है, तो ये पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो, और 25 चौका तो ये तो 100 हो गए, और इसकी जीरो से ये और इससे ये कैंसिल हो गया, 4 की दर गुणा कर दो आप, बटे वाले की दर गुणा ही होती है, तो आगी दर, हाँ, तो दर कितनी आगी, 4%। जल्दी से पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, अगर आपको दो जगह मिश्रधन दे के राशि पूछेगा तो हम पहले तो निकाल लेंगे ब्याज, तो जो इनका अंतर होगा वो ब्याज होगा जितने समय का, हाँ, और फिर हमें राशि कैसे निकालनी है, मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे, पर उतने समय का ब्याज घटाएंगे जितने समय का मिश्रधन है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी वाली लाइन से कर रहे हैं। तो राशि तो निकाल लोगे आप, अब राशि से आगे अगर वो आपसे मूलधन ही बूझता है, तो जो आपकी राशि है उसमें उतने साल का ब्याज जोड़ दो जितने साल का वो होना बूझ रहा है, मतलब मिश्रधन बूझ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब बात आती है दर की, दर वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जा रहा है, तो उसमें भी कोई बात नहीं है, आपने पहले राशि निकाल लेनी है, राशि तो निकाल ही लोगे आप लोग, और राशि निकाल के ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देना, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ आप जो ब्याज रखोगे जितने समय का, इधर उतना ही समय रखना है, क्योंकि कई सारे ब्याज तुम्हारे पास यहाँ होते हैं, ये 1.5 का है, ये 2.5 का है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये जो 42वां क्वेश्चन है ये बिल्कुल 41 का कॉपी है, देखो एक बार जल्दी से, तो ये तुम्हें ही करना है, हाँ, और 45वां देखो, अब 41 42 45 एक से ही है, 41 42 45 तीनों में दर पूछ रहे हैं, तीनों में क्या पूछ रहे हैं, दर पूछ रहा, कर लोगे ना करो, हाँ कर लेना, ना हो तो कल पूछ लेना। अब आप आ जाओ 46 पे, अरे आ जाएगा, हाँ 46 46 में क्या है, 1,95,000 रुपये की राशि का कुछ भाग तो 15% की दर पर तथा बचा हुआ भाग 20% की दर पर उधार लेता है। कोई व्यक्ति है, उसने 9,500 रुपये का कुछ हिस्सा तो 15% पे उधार लिया है और बचा हुआ हिस्सा 20% पर उधार लिया है, और 3/2 वर्ष पश्चात कुल 2,565 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 9,500 रुपये पर 2/3 साल में कितना ब्याज बन गया है, 2,565 बन गया है। तो ये कह रहा 15% और 20% की दर पर उधार लिए गई राशियों का अनुपात क्या है। देखो जब भी अनुपात बूझे, या सारी बात छोड़ो, क्वेश्चन जब तीन जगह टूट रहा हो, दो हिस्से और उनका टोटल, तो उसमें मिश्रण लगता है। अब जितनी जल्दी तुम इस बात की पहचान करना शुरू कर दोगे, उतनी जल्दी तुम्हें मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जितनी जल्दी आप कर लोगे इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या तीन जगह नहीं टूट रहा आपका, भाई कुछ हिस्सा 15% पे, शेष हिस्सा 20% पे, शेष हिस्सा 20% पे, है ना। तो दो हिस्से ना हो गए, कुछ हिस्सा और शेष हिस्सा, दो हिस्से और फिर टोटल ब्याज, टोटल ब्याज। तो अभी तीसरी जगह भी अगर ये हमें दर दे देता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। पहले भाग की दर दे दी उसने, दूसरे भाग की दर दे दी, टोटल पे और दर दे देता तो अब तक क्वेश्चन खत्म हो जाता, अब तक क्वेश्चन। तो एक कोई बात नहीं, आप निकाल लो टोटल ब्याज की दर निकाल लो, तो उसके आपने उसको, उसने आपको राशि भी दी और ब्याज भी दिया है। देखो ब्याज कितना हो रहा, कुल 2,565 ब्याज है, 2,565 क्या है, ब्याज है, और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है, 95 गुणा दर हमें निकालनी है। ये कितने समय में बना है, 3/2
2 वर्ष में, तो ये समय हो गया, ये क्या हो गया हमारा, समय हो गया। ठीक है, तो समय बटे में तो 100 आना ही आना है हमारा। अब इसको आप सोल्व कर लो, इसको क्या कर लो आप, तो ये दोनों जीरो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। हाँ, अब इससे ना ये 27 बार कट जाएगा, 95 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 27 बार, और 3 से ये कितनी बार होगा, 9 बार, और 2 की इधर गुणा करूँगे आप तो आर बराबर 18% आ गया। तो ये जो हमारा रेट आया ना, ये टोटल ब्याज का आया, ये किसका आया है, टोटल ब्याज का आया। अब पहले हिस्से पर रेट देखो कितना, पहले हिस्से पर रेट कितना है, और दूसरे हिस्से पर रेट कितना है, 20%, और टोटल पर रेट कितना है। अब ध्यान से सुन लो, जब क्वेश्चन ऐसे 3 जगह टूटा हुआ हो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और उनका टोटल, तो वहाँ मिश्रण लगाते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, तुम्हें थोड़ी सी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने दोनों हिस्सों की तो परसेंटेज दे दी और टोटल की परसेंटेज नहीं दी, वो हमने निकाल ली। अब ये मिश्रण बना लिया हमने, तो मिश्रण में तुम्हें पता ही है कैसे सजाते, इधर पहले हिस्से की परसेंटेज लिखोगे, यहाँ दूसरे हिस्से की, दूसरे हिस्से पे कितने परसेंट, 20 पे, और ये जो टोटल टोटल हिस्सा होता है ना, उसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ऐसे, हाँ, तो इनके बीच में लिखते हैं। ठीक है, और ये वास्तव में भी इनके बीच का ही होना चाहिए, वरना कहीं गलती करके हैं। अब देखो 18 20 से तो छोटा है और 15 से बड़ा है, तो इनके बीच ही तो है, तो मिश्रण बन रहा है बिल्कुल पक्का पक्का। पहला हिस्सा इधर रखते हैं, दूसरा हिस्सा यहाँ रखते हैं, टोटल यहाँ रखते हैं। ठीक, और बस फिर ऐसे ये लाइन खींचते हैं आप, इसका इसका अंतर यहाँ रखोगे, ऐसे यहाँ खींचते हैं, इसका इसका अंतर यहाँ रखोगे, 3, और बीच में 2 बिंदी लगा देते हो, जिन्हें अनुपात कहते हैं। अनुपात ही पूछ रहा है ये क्यों भाई, अब इससे भी जीरो क्या पढ़ाए बताओ, अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है। अनुपात ही तो पूछ रहा था, दोबारा से सुन लो जल्दी से। उसने टोटल पैसा 95 था, टोटल पैसा कितना था, उसमें से कुछ हिस्सा तो दे दिया 15% पर, बचा हुआ हिस्सा दे दिया 20% पर, तो उसको टोटल ब्याज कितना आया, 2565 ब्याज आया दोनों जगह से, कितने साल में, 3/2 साल में। तो कह रहा दोनों का अनुपात बताओ पैसों का, तो जब अनुपात बूझ रहा है तब तो मिश्रण लगता ही लगता है, पर अगर क्वेश्चन 3 जगह टूट रहा हो तब भी मिश्रण लगता है। देखो हमें देखते ही पहचान हो जाती है कि हाँ इसमें मिश्रण लगेगा, कुछ दिन बाद आप भी उस कंडीशन में पहुंचोगे, कुछ पहुंच गए कुछ पहुंच जाएंगे, कि बता देते हैं देखते हैं कि इसमें मिश्रण लगेगा, क्योंकि 2 हिस्से और उनका टोटल हमारे पास है। बस इसने ये दे दिया कि तीसरा जो हिस्सा था ना टोटल, वो थोड़ी सी दिक्कत कर दी उसने, वहां का रेट नहीं दिया उसने, तो वहां की रेट हमने निकाल ली दर, हमने कैसे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 दिए टोटल की रेट आ गई, बस हो गया सीधा सीधा सा। 47 पे आ जाओ, 47 भी इसके जैसे ही है। देखो चलो एक और कर देते हैं, दोनों एक से हो जाएंगे। 47, एक राशि 1750 रुपये, एक 1750 रुपये की राशि का कुछ भाग तो 24% पर, बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% पर, दो हिस्से हो गए कुछ और बचा हुआ। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 का ब्याज प्राप्त हुआ। देखो कुल की रेट और दे देता ये तो अब तक कर देते क्वेश्चन को, तो कुल का रेट इसने नहीं दिया, तो कुल का आप निकाल लो, फिर मिश्रण बन रहा है, तो ऐसे ही तो निकालेंगे रेट। ब्याज कितना है, 13,300 रुपये का ब्याज है, और ब्याज बराबर मूलधन होता तो मूलधन है 17,500, 17,000 गुणा दर हमें निकालनी है, और कितने समय में ये घटना घटी है, 5 वर्ष में, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ये दोनों जीरो हमने कैंसिल कर ली। ठीक है, अब ये तो 25 से कट रहा है, पर ये तो शायद नहीं कटेगा, चेक कर लो, 25 पंजे 125 कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 और कितने बचेंगे, 3 8 80, 25 3 75 कट जाएगा। देखो 25 पंजे 125 कितने बचे, 8 बच गए, यहाँ हो गया 80, हाँ 25 3 फिर कितने बचे, तो 25 2 और 25 7। अब एक बार 7 से और चेक कर लो, 7 7 49 कट रहा है, बचे 4 हो गए 42, हाँ क्यों भाई, 7 7 बचे कितने, और 7 6 42, तो रेट कितना आ गया, 76/5, क्योंकि इधर तो 76 है, तो ये इसके बटे में ही तो आएगा, तो आर बराबर कितना आ गया, 76/5 आ गया, 76/5, तो ये टोटल वाली रेट आ गई है। ठीक है, कितनी वाली रेट आ गई है, ये टोटल वाली रेट आ गई है। अब पहले हिस्से पे बताओ रेट कितनी है, 24%, दूसरे हिस्से पे 10%, और टोटल पे कितना है, 76/5%। अब देखो ये बिना बटे के, ये बटे में आ गया, अब ये बटे में आ गया तो दिक्कत नहीं कर रहा है तुम्हें, क्यों भाई दिक्कत कर रहा है या नहीं, दिक्कत नहीं कर रहा, कर रहा तो उड़ा दो इसे, कैसे उड़ेगा ये, बटे में कितना है, तीनों में 5 से गुणा कर दो उड़ जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करो, 24 पंजे 120, यहाँ 5 से गुणा करो, 50। अब जब तुम यहाँ 5 से गुणा करोगे तो 5 से 5, ठीक है, ये लीजिए, अरे आ गया फंडा समझ में,
जब भी कोई ऐसी दिक्कत हो तो ऐसे कर लेना आप लोग, ठीक है, किसी एक में बटा रहा हो और औरों में ना आ रहा हो, औरों को दिक्कत हो रही हो तो सब में उससे गुणा कर दो जो उसके बटे में है। समझ में तो आ गया, ये पाँच कहाँ गायब हो गया, गुणा पाँच बटे पाँच, तो पाँच से पाँच ना कट जाएगा, और यहाँ भी पाँच से गुणा करी 24 पंजे, और यहाँ 10 था तो 10 पंजे। अब देखो सीधा सीधा बन रहा है, अब कर लो आप लोग, ठीक है, तो अंतर कर लो 26 इधर, हाँ 44 कितने से कैंसिल हो रहे हैं, दो से, तो 13 22 है ऑप्शन, 13:22। देखो दोनों क्वेश्चन एक से थे, आए समझ, करो नोट। 48 देखो, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए तो 5% पे और शेष 4% पे हो गए दो हिस्से, उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज मिला, तो ये टोटल हो गया। बस टोटल की जगह ये ब्याज दे रहा बार बार, अगर दर दे दे तो हमारा काम जल्दी हो जाए, पर कोई बात नहीं, दर हम निकालनी सीख लिए। तो फिर उससे आगे कह रहा है, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितना उधार दिए थे पैसे, ये बूझना चाह रहा है। तो आप कोई बात नहीं, आप ये मिश्रण से ही होगा क्वेश्चन ये भी, क्योंकि तीन जगह टूट रहा ना, दो हिस्से और उनका टोटल, बस टोटल वाली आप दर निकाल लो, टोटल वाली क्या निकाल लो आप, तो वो निकलेगा ब्याज कितना है 92 रुपये। तो ब्याज बराबर होता मूलधन, तो मूलधन कितना है 2000, हाँ, गुणा दर कितनी हमें निकालनी है, ये कितने समय में ब्याज बना है, एक वर्ष में, बटे 100, बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है यहाँ। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 92/20, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8 और 2 6 12 बटे 10। आप चाहो तो इसे 23/5 कर सकते हो, 2 से और काट लो, हाँ, या यहीं 4 से कर दें, यहीं 4 से कर दें, पॉइंट नहीं, 4 2 8 बचा एक, 4 3 और 4 5, तो ये टोटल जो रेट है वो 23/5 आ गया, हाँ, और दो हिस्से हमारे पास पहले ही, यार ये टोटल तो तीन जगह क्वेश्चन टूट रहा, तो मिश्रण बन रहा है, तो पहली जगह पे रेट बताओ कितना 5%, दूसरी जगह पे और टोटल पे, अब ये 5 को उड़ाना अभी तो सिखाया था तुम्हें, सब में 5 से गुणा कर दो, ये उड़ जाएगा, 5 4 या 5 5 25, 5 4 20, और यहाँ 5 से, कभी यहाँ भी 23 में 5 से कर दो, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, उस 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है, ये लीजिए, अब सही लग रहा है, चलो तो 3, यहाँ कितने का अंतर 2 का। अब ध्यान से सुनो, जो बच्चों ने एक दो दिन में एंट्री की है, अगर अनुपात पूछता तो ये हो गया क्वेश्चन, अब ये राशि पूछ रहा है, तो यहाँ से आगे क्या करते हैं, अनुपात लाने के बाद या तो उसने इसकी वैल्यू दे रखी होगी तो इसके बराबर रख देते हैं, या उसने इसकी वैल्यू दे रखी होगी तो इसके बराबर रख देते हैं, या उसने टोटल वैल्यू दे रखी होगी तो टोटल के बराबर। अब तुम बताओ, उसने 25 ये वाले रेट दे रखा है इस वाले पे पैसा, या इस पे, या टोटल पैसा दे रखा है, टोटल दे रखा है ना, तो आप भी टोटल करोगे, आप भी क्या करोगे, तो हमारा टोटल है 5 और किताब वाले का टोटल कितना 2000, और बराबर रखने के बाद पूरे मैथ में एक ही निकालते हैं, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 5 ही कम और 5 चौक तो कितना आ गया एक बराबर। अब एक निकालने के बाद वो देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा, आप देखो क्या पूछ रहा, वो कह रहा कि 5% पे कितना पैसा लगाया था, तो 5% तो इधर वाला था, याद कर लो ये 4% वाला था, वो हमने 5 से गुणा कर ली ना, तो 5% इधर वाला था, तो इसकी वैल्यू निकलेगी, और अगर ये 4% वाले पे पैसा पूछता तो 2 की वैल्यू निकालते, किसकी वैल्यू निकालते, 2 की वैल्यू निकालते, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 5 ये 3 है तो 3 से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, तो 1 3 3 और 4 3 12, ठीक है। अब देखो ये कई चैप्टर से करते आ रहे इस काम को हम, और जब तक ये मैथ खत्म होगा तब तक ये चलता रहेगा ऐसे ही, हर चैप्टर में चलेगा ऐसे ही, ठीक है, आगे सबको समझ। 49 पे आ जाओ, 49, अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है, पहले दोस्त को वो 12,000 रुपये 8% की दर पर देता है, और आगे क्या कह रहा है, अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। देखो यहाँ सुनो, इधर समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, जैसे 20,000 रुपये थे, उस पर कितने रुपये थे, इन 20,000 में से कितने पैसे, 12,000 रुपये दे दिए उसने अपने एक दोस्त को, हाँ, किस रेट पे दे दिए, 8% पे दे दिए, कितने पे दे दिए, 8% पे दे दिए। अच्छा, इसका दोस्त आया, इससे पैसे ले गया, हाँ, जब इसका दोस्त चला गया, ये सोचने लगा कि मुझे ये पैसे ब्याज पे तो उसने दिए हैं, तब बचे हुए भी ब्याज पे देगा, ये कह रहा है इतने पे ब्याज पे देने हैं कि मुझे कुल पैसों पर 10% का लाभ हो जाए, वो कह रहा उसे कुल 10% लाभ,
कुल कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए उसको कुल। तो जब भी ये कंडीशन आए ना, ये परसेंटेज में भी आई थी ये बात, हाँ ये लाभ हानि में भी आई थी, बट्टे में भी आई थी, जब भी ये कहना उसे समर्ग लाभ आया था ऐसा कई बार, तो यहाँ भी कह रहा है उसे कुल लाभ 10% चाहिए। तो पहले उसका टारगेट ही निकाल के रख लो, उस पर कुल पैसा कितना था, और वो बाद में अपने दोस्त को 12,000 दे के उसका दोस्त तो चला गया, यूँ कह रहा मुझे कुल लाभ 10% चाहिए, कितना चाहिए, तो उसका कुल पैसा 20,000 था, तो 20,000 का 10% निकाल लो, 20,000 का कितना निकाल लो 10%, और जिसका भी 10% निकालना होता उसकी लास्ट की जीरो हटा देते हैं, एक कभी सारी उड़ा दो एक जीरो हटाते हैं बस, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब उसे 20,000 पे 2,000 रुपये कमाने, 20,000 पे कितने कमाने, तो उसका टारगेट हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर तो लिखा ही नहीं है, कौन सा नंबर है ये, 49। देखो तो पहले इसी काम को कर लेंगे, 20,000 पे उसे कितना लाभ चाहिए कुल, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 2,000, तो उसे 2,000 रुपये कमाने। अब उसका दोस्त आया, दोस्त को कितने पैसे दे दिए उसने, 12,000 दे दिए, हाँ कितने रेट पर, 8% पर दे दिए, कितने परसेंट पर, 8% पर, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, अरे ना बोलो, बटे 100, तो कितना ब्याज बन गया यहाँ से, 12×8 तो 960 रुपये तो उसने अपने इस दोस्त से कमा लिए। उसका टारगेट कितना है, 2,000 का है ना, उसका टारगेट कितना है, और पहली जगह उसने 12,000 रुपये दिए हैं, तो वहाँ से उसे कितने आ जाएंगे, 960, तो अभी कितने और चाहिए उसे, 1,000। अब ये 1,040 रुपये जो इसे चाहिए, तो ये शेष पे कमाने की कोशिश करेगा, तो टोटल पैसा 20,000 था, उनमें से 12,000 तो गया, तो बचा कितना, तो अब 8,000 पे इसे कितने कमाने, 1,040 कमाने। पर वो तो रेट बूझ रहा, तो रेट तो परसेंटेज में होता, दर तो दर परसेंटेज में, तो परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज हटाने को 100 से भाग और लाने को 100 से गुणा करते हैं, ये पूरे मैथ में चलेगा, ठीक है। तो वो रेट बूझ रहा है, तो रेट तो हमारा परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर लो, 100 से क्या कर लो आप, गुणा कर लो, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब 8 से कितनी बार, तो 13% पे देना पड़ेगा इसको बचा हुआ पैसा, तब इसका टारगेट पूरा होगा, तब इसको 2,000 रुपये कमेंगे 20,000 पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को मैथ की तरह मत समझो आप, प्रैक्टिकली समझो ऐसे ही, आगे समझ। पचासवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% पर, दूसरा भाग, अच्छा बैंक से लेता है, उसने एक भाग 8% की दर पर बैंक से लेता है, और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। एक बैंक से तो 8% पे लिया उसने ऋण, और दूसरे बैंक पे 10% से उसने लिया है ऋण, मैं कह रहा अंततः वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का वार्षिक भुगतान करता है। 10,000 रुपये लाया था, अब दिक्कत ये है, दिक्कत कुछ नहीं है, मिशन लग जाएगा इसमें, तो तीन हिस्सों में ना टूट रहा है ये तो तीन में टूट गया, पहला बैंक, दूसरा बैंक, दोनों बैंक से ब्याज, तो वो जो दोनों बैंक से ब्याज है वहाँ से दर निकाल दो आप, अभी बताई थी ना आपको, या बैंक की वजह से दिक्कत हो रही है, हाँ चलो फिर भी बता देते हैं, कुछ चेहरे ऐसे ही लग रहे हैं, दिक्कत होगी फिर। तो आप पहले टोटल पे दर निकाल लो, तो टोटल ब्याज कितना, टोटल ब्याज उसे एक साल में कितना भुगतान करना पड़ा, तो ब्याज बराबर मूलधन, कितने पैसे लाया था, तो मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय, एक साल का है ये क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज एक साल का है, उसने वार्षिक में भुगतान करा, एक वर्ष में करा इतने का भुगतान, ठीक है। तो कैंसिल करो, ये लीजिए, तो आर बराबर कितना आएगा, 9.5, हाँ 9.5 हो गया, या वैसे करो ऐसे रहने, चलो तो पहले भाग का रेट बताओ, पहले बैंक पे 8%, दूसरे बैंक से, और टोटल टोटल पे कितना, 9.5, टोटल पे कितना, बस अब ऐसे सजाओ तुम इसे, और अंतर निकालो, यहाँ कितने का अंतर, 0.5 का, यहाँ कितने का अंतर, 1.5 का, पॉइंटों के स्थान बराबर होते तो कैंसिल हो जाते हैं, इधर से गिनते हैं स्थान, एक स्थान पे, एक स्थान पे, तो बराबर है अंक, अब 5 से कैंसिल हो रहे, 5 एकम 5, 5 दिया, अब अनुपात तो बूझ नहीं रहा, जो यहीं रुक जाएंगे, वो बूझ रहा है क्या, पहले बैंक से कितना पैसा लिया था, यूँ बूझ रहा है, तो उसके लिए तो आप पहले ये देख लो, आपको ये पता है, ये तो बूझ ही रहा है वो, क्या ये पता दूसरे बैंक से कितना लिया था, अगर पता होता दूसरे बैंक से कितना लिया तो 3 के बराबर रख देते, और पहले से तो वो खुद ही बूझ रहा कितना लिया है, तो उसने टोटल पैसा तो पता है हमें, टोटल कितना लिया 10,000, तो आप भी टोटल कर लो, तो 4, 1 और 3, तो 4 बराबर 10,000 रख लो, 4 बराबर कितना रख लो, 10,000 रखेंगे आप, 4 बराबर बराबर रखने के बाद एक ही निकालते, 4×2 8, बचे 2, 4×5
तो एक बराबर 2500 एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे ये कह रहा 8% पे कितना ऋण लिया था, तो 8% वाले की वैल्यू एक है, तो यही आंसर ठीक है। और अगर यहाँ दो लिखा हुआ होता तो दो से गुणा करते, तीन लिखा हुआ होता तो तीन से गुणा करते। आया समझ? अरे समझ में आ गया अच्छे से? 55 तक कर लेना, ऐसे ही है सारे ठीक है, नोट कर लो।